बॉलीवुड के जाने माने एक्टर जितेंद्र की लाडली बेटी एकता कपूर एक बार फिर बनने जा रही है माँ। क्या सचमुच एक बार फिर अब एकता कपूर बिना शादी के अपने दूसरे बच्चे को भी लाने वाली है घर? 82 साल की उम्र में जितेंद्र एक बार फिर बनेंगे नाना। हेलो नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल में। मैं हूं आपकी दोस्त पूनम अधिकारी। बॉलीवुड के जाने माने एक्टर जितेंद्र, जी हाँ, जिन्होंने बॉलीवुड में न जाने कितनी ही बेहतरीन फिल्में दी हैं, उनकी बेटी एकता कपूर, जिन्हें हम छोटे पर्दे की क्वीन भी कहते हैं, जी हाँ, एकता कपूर वही हैं जिन्होंने कहानी घर घर की, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, कसौटी जिंदगी की, न जाने कितने सीरियल्स बनाए हैं, वही एकता कपूर अब दोबारा माँ बनने जा रही है। लेकिन सबसे हैरानी की बात यह है जो फैंस को परेशान कर रही है कि वो बिना शादी के ही अपने दूसरे बच्चे को अब घर लाने वाली है। जी हाँ, एकता कपूर की अब तक शादी नहीं हुई है और अब 82 साल की उम्र में जितेंद्र फिर नाना बनने वाले हैं। क्या है पूरी खबर वो बताने से पहले, जैसा कि मैं हमेशा आपसे बोलती हूँ, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलना है। जी हाँ, जितेंद्र के घर में इस वक्त खुशियों का माहौल है और भाई हो भी क्यों ना, उनकी लाडली और इकलौती बेटी एकता कपूर एक बार फिर से माँ बनने वाली है। आपको बता दें कि जो 82 साल की जितेंद्र हैं वो नाना तो बनने वाले हैं और खुशी भी है घर में, लेकिन सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह है कि एकता कपूर की अब तक शादी नहीं हुई है। इससे पहले भी जो एकता कपूर का बेटा है जो 5 साल का है, वो भी उन्होंने खुद से पैदा नहीं किया, वो सरोगेसी के थ्रू हुआ था। और अब कुंवारी एकता कपूर एक बार फिर दूसरा बच्चे की प्लानिंग कर रही है, वो भी सरोगेसी के जरिए। दरअसल एकता कपूर को अब लग रहा है कि जो उनका बच्चा है रवि, वो 5 साल का हो चुका है और वो बड़ा हो चुका है और वो कहीं ना कहीं अकेलापन महसूस कर रहा है, तो इसलिए एकता कपूर चाहती है कि अपने बेटे को कंपनी देने के लिए वो एक और बच्चा घर में लेकर आए। जैसे एकता कपूर का जो पहला बच्चा है रवि, जो 5 साल का है, वो सरोगेसी के जरिए इस दुनिया में आया था, इसलिए अब एकता कपूर, ऐसा कहा जा रहा है जो कि खबरें आ रही हैं कि एकता कपूर अब दूसरा बच्चा भी सरोगेसी के जरिए ही अपने घर में लाना चाहती है, यानी जल्द ही रवि को कोई भाई या बहन मिलने वाली है। वैसे आपको मैं बता दूं कि जो एकता कपूर है उन्होंने अब तक शादी नहीं की है, हालांकि कई लोगों के साथ उनके अफेयर की खबरें जरूर सुनाई दी और पहले ये भी खबर आई थी कि एकता कपूर शायद जो जितेंद्र है वो एकता कपूर के लिए लड़का ढूंढ रहे हैं, लेकिन जिस तरह से वो खबरें आए उसी तरह से वो खबरें उड़ भी गई और अब ऐसा कहा जा रहा है कि फिलहाल एकता कपूर शादीवादी तो नहीं कर रही है, लेकिन हाँ, दूसरे बच्चे की प्लानिंग जरूर कर रही है। साथ में ये भी खबर आई है कि जितेंद्र भी अपनी बेटी के इस फैसले से बहुत खुश हैं और उनके साथ हैं। आपको बता दूं कि साल 2019 में एकता कपूर ने सरोगेसी के जरिए अपने पहले बच्चे रवि को वो घर में लेकर आई थी, तो जितेंद्र बहुत खुश थे, उन्होंने मिठाइयाँ बांटी थी और अब कहा जा रहा है कि साल 2024 में शायद एकता कपूर का दूसरा बच्चा भी आ सकता है। वैसे मैं आपको बता दूं, सिर्फ एकता कपूर ही नहीं, एकता कपूर के जो भाई हैं और जो जितेंद्र के बेटे हैं तुषार कपूर, उन्होंने भी अपना जो बच्चा है वो शादीवादी नहीं की, उन्होंने भी अपना जो बच्चा है वो सरोगेसी के जरिए ही पैदा किया था, उनका बच्चा भी 4-5 साल का हो चुका है। तो कहीं ना कहीं जो भाई बहन है, एकता कपूर है, जो तुषार कपूर है, ये सरोगेसी के जरिए बच्चों को घर में ला रहे हैं, लेकिन दोनों भाई बहन, दोनों में से कोई भी शादी करने के मूड में नहीं है। जो एकता कपूर है वो 48 साल की है, लेकिन उनका शादी का कोई मन नहीं है और इसीलिए वो सरोगेसी के जरिए अपनी फैमिली को आगे बढ़ा रही हैं। फिलहाल आज के मैं इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।